फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल इंडिया निटिंग कंपनी। आज फ्रेंड्स हम थोड़ी थोड़ी जो ऊन बची हुई है देखे बिल्कुल धरा धरा सी है ना, इनसे मैं बहुत ही खूबसूरत डिजाइन डालना बताऊंगी, मल्टी कलर का डिजाइन। तो उसके लिए मैंने 10 नंबर की सिलाई ले ली है और उस पर मैंने 3 के मल्टीपल से फंदे डाले, 24 और 2 फंदे एक्स्ट्रा एच के डाल के 2 सिलाई उल्टी उल्टी बुन के बॉर्डर बन लिया है। ठीक है, अब फ्रेंड्स मैं क्या करूँगी, राइट साइड हूँ, फर्स्ट रो राइट साइड पूरे सिलाई में पर्ल वाइज नहीं निट ऑल निट पूरी सिलाई में सीधी सीधी बुनकर कंप्लीट कर लेती हूँ। फ्रेंड्स ये फर्स्ट रो राइट साइड है, सिलाई पूरी उल्टी सीधी सीधी बुनकर कंप्लीट कर लेती हूँ। हमारा ये डिजाइन है फ्रेंड्स वो उल्टी तरफ से डलेगा, तो मैं पूरी सिलाई सीधी सीधी बुनकर कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स अब हम उल्टी तरफ आ गए, एक सिलाई मैंने सीधी सीधी निकाल ली, अब हम उल्टी तरफ आ गए। उल्टी तरफ मैंने ये रानी कलर का ऊन जोड़ लिया है। पहला फंदा मैं स्लिप कर लूँगी फ्रेंड्स, सिर्फ स्लिप कर लो चाहे आप उतार लो चाहे इस बेस कलर से बुन लो, अभी बुन लेती हूँ मैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट 3 फंदे हैं उसको मैं रानी कलर से उल्टा बुनते हुए 2 बार लपेट के बुनूंगी, एक फिर उन राइट कलर के राइट सिलाई पर 2 बार लपेटा फिर उल्टा बुन लिया, ये 3 फंदे उल्टे बुन लिए रानी कलर से 2 बार लपेट के। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट वाले 3 फंदे हैं वो सिंपल उल्टे बुन लूँगी बेस कलर के ऊन से, 1, 2, 3। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए फिर अब रानी कलर से फिर 3 2 बार लपेट के, 1 ये 2 बार लपेटा, 2 ये 3। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस ऊन का आगे लिए और इससे हम 3 सफ़ेद बन लेंगे उल्टे, ये उल्टी तरफ है फ्रेंड्स रॉन्ग साइड, फिर 3 ये रानी कलर से 2 बार लपेट के, 1, 2, 3। बहुत सुंदर डिजाइन है फ्रेंड्स ये, फिर ये 3 सफ़ेद बन लूँगी प्लेन ही, फिर इसको ऊन आगे लेके फिर इसको लपेट के बुन लेंगे 2 बार, बुनना उल्टा ये और उल्टी तरफ है इसलिए 2 ये 3। और 3 हैं जो हमारे ये 3 ये हमारे सिंपल उल्टे बुन लेंगे और चौथा आयाज का उसका भी मैं उल्टा बुनूंगी। ये हमारे डिजाइन की फर्स्ट रो है फ्रेंड्स। ठीक है, सेकंड रो राइट साइड आ गए, ये एक फंदा इसका उतार लूँगी और 3 सफ़ेद चल रहे हैं इनको मैं सीधा बुन लूँगी 3 सफ़ेद को। अब ध्यान दीजिए कि जो लपेटे हुए फंदे उनको खोल लेंगे, 1, 2, 3। ठीक है, लपेटे हुए फंदे को खोल कर ये इस तरह से ले लेंगे हम आगे। ठीक है, और ऊन आगे लेकर इनको 3 का 5 बनाना फंदे, कैसे ऐसे फर्स्ट फंदा हमने उल्टा बनाया, 3 का 3 में उठ सिलाई डाल दी, 1 फंदा उल्टा बनाया, फिर ऊन पीछे ले गए, फिर 1 सीधा बनाया। ठीक है, फिर 1 उल्टा बनाया, 3 हो गए, फिर 1 सीधा बनाया, 4 हो गए और ये 5, और ये फंदे छोड़ दिए सारे। अब देखिए फ्रेंड्स हमारे 5 फंदे हो गए, 3 के 5 फंदे कर लिए। अब ये जो जो 2 सीधे बनाए थे ना जो उठे हुए दिख रहे, 1 ये फंदा और 1 ये फंदा, 2 सीधे बनाए थे यानी दूसरा और चौथा, उन 2 फंदों को इस आगे वाले फंदे के यूँ इस तरह से ले जाएंगे तो ये फ्लावर की शेप आ जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, ठीक है, अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, 3 सीधे बुन लेंगे, 1 सफ़ेद है ना जो, 2 ये 3 सीधे बुन। अब हम क्या करेंगे, ऊन पीछे ले जाएंगे ये रानी कलर वाले और फिर वाइट से
जो व्हाइट वाले हैं उनको सीधा बुन लेंगे, एक दो तीन, फिर इन फंदों को खोल लेंगे ऐसे करके, ठीक है। तीन फंदों को खोल लिया, फिर लेफ्ट नीडल में ले लिया तीनों को, और ये रानी कलर के आगे लेके तीन के पांच फंदे बनाएंगे। किस तरह से देखिए, ये तीन फंदे, इनके पांच फंदे कैसे बनेंगे, एक और उल्टा बनाएंगे, ऊन पीछे ले जाएंगे, फिर एक बार सीधा बनाएंगे, दो, फिर ऊन आगे लाएंगे, ये उल्टा बनाएंगे, तीन, एक बार ऊन पीछे ले जाएंगे, चार, ये देखिए ये चार, ऊन आगे ले आएंगे पांच, पांच बार बन के इन फंदों को छोड़ देंगे। अब ये पांच फंदे हो गए तीन के, अब जो दो हमने सीधे बनाए थे ना, पहला उल्टा फिर दूसरा सीधा, तीसरा उल्टा चौथा सीधा, तो इन जो सीधे सीधे बनाए थे दूसरा और चौथा, इन दोनों फंदों को उठाकर हम इस तरह से यूं कर देंगे, तो यह एक फ्लावर सा बन जाएगा। ऊन पीछे ले लेंगे, ये तीन सफ़ेद बना लेंगे फ्रेंड्स। इस तरह से हम हमारी डिज़ाइन की सेकेंड रो कंप्लीट कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए ऊन आगे लाकर ये फंदे खोल लिए, एक बार और देख लीजिए, ठीक है, तीन फंदे खोल लिए। इसके बाद इन्हों को लेफ्ट लिंटल में ले लिया, फिर एक बार उल्टा बनाया, फिर ऊन पीछे ले गए, एक बार सीधा बनाया, फिर एक बार उल्टा बनाया, फिर एक बार सीधा बनाया, फिर एक बार उल्टा बनाया, तीन के पांच कर लिए फंदे, ऊन पीछे ले गए, और ये जो दूसरा और चौथा ये सीधे दिख रहे हैं ना फ्रेंड्स, इन फंदों को मैं इसके ऊपर से उतार दूंगी फर्स्ट वाले फंदे के, फिर तीन सीधे। इस तरह से मैं मेरी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमारे डिजाइन की ये मैंने एक तो सीधी निकाली, फिर दूसरी सिलाई में डिजाइन डाला, तीसरे में मैंने ये फंदे खोल के फिर डिजाइन, चौथी पूरी तरफ से इस तरह से, अब थर्ड रो निकाल ली मैंने सीधी तरफ से, फोर्थ रो उल्टी तरफ से फ्रेंड्स, ठीक है। अब पूरी सिलाई वाइट कलर की, उनसे सभी फंदे, ये तीनों फंदे ना, ये भी उल्टे उल्टे बुनकर मैं कंप्लीट कर लेती हूँ वाइट कलर की, उनसे सारी सिलाई इधर से कंप्लीट कर लेती हूँ। तीन वाइट बुनने हैं, और वो जो पिंक वाले हैं है ना, ये तीन, इनको भी मैं वाइट बन लूँगी, उल्टी तरफ है इसलिए पूरी सिलाई उल्टी उल्टी मुन लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये हमारी चौथी सिलाई है फ्रेंड्स, पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बुनकर मिलते हैं फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से, इस तरह से मैं मेरे ये डिजाइन बन रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे फ्लावर बन के तैयार हो गए, कितने सुंदर बने है ना। अब मैं राइट साइड आ गई हूँ, चार सिलाई में एक बटन कंप्लीट हो गया राइट, क्योंकि डिजाइन अब नेक्स्ट वाला कलर उल्टी सिलाई में निकलेगा, तो ये हम राइट साइड में, तो एक सिलाई में सीधी सीधी निकाल, एक फंदा उतार लूँगी, और पूरी सिलाई वाइट कलर की उनसे मैं, जो कि मेरा बेस कलर है, इससे मैं सीधी सीधी निकाल लेती हूँ फ्रेंड्स। निकाल कर मिलते हैं फ्रेंड्स। जब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियो, बेल बटन का आइकन जरूर दबाएं। तो मैं सीधी सीधी सिलाई निकाल के मिलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरे ये रानी कलर के फ्लावर कितने सुंदर लग रहे हैं है ना। एक सिलाई सीधी सीधी निकाली इस डिजाइन को पूरा करने के बाद में, अब मैं रॉन्ग साइड आ गई हूँ उल्टी तरफ से, और ग्रीन कलर के उन्हें ऐड कर लिए मैंने। अब फ्रेंड्स, हमारे डिजाइन का पैटर्न बदल जाएगा, इन दो फ्लावर के बीच में यहाँ डिजाइन डलेगा, ये फ्लावर यहाँ डलेगा, यानी एक दो तीन फंदे ना ये इन पर डलेगा। तो शुरुआत के मैं चार फंदे उल्टी तरफ से बेस कलर से बन लूँगी, यानी सफ़ेद रंग के बन लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बेस कलर से मैं चार फंदे उल्टे बन लेते, एक दो तीन चार, हमारे डिज़ाइन की जगह बदल जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स,
इधर देख के ध्यान दीजिए, अब ये तीन फंदे ना दोनों फ्लावर के बीच के, इनको लपेट के दो बार पन लेंगे, एक दो तीन, ठीक है। और फिर तीन प्लेन बेस कलर से यानी वाइट कलर से, एक दो तीन, तीन सफ़ेद और तीन हरे, दो बार लपेट के, बनने उल्टे ही हैं, एक दो ये तीन, तीन मनारे बन लिए, तीन मैंने सब पर शुरू में मैंने चार बन लिए सफ़ेद, फिर तीन हरे बन लिए, फिर तीन सफ़ेद बन लिए, फिर तीन हरे बन लिए, बुन लिए मैंने, और फिर तीन सफ़ेद बुन लूँगी प्लेन। तो इस तरह से मैं मेरी सेकंड पैटर्न की फर्स्ट रो कंप्लीट कर लेती हूँ, तीन बुन लिए, अब तीन ये बुन लेती हूँ दो बार लपेट के, ठीक है फ्रेंड्स। अब वैसे के वैसे चार सिलाई रिपीट करनी है अपन को, जैसे ये रानी कलर वाले में लपेट के बुना था ना मैंने, ऐसे कैसे, एक दो तीन, और लास्ट में एक फंदा है उसको मैं उल्टा ही बुनूंगी बेस कलर से, ठीक है फ्रेंड्स। अब वैसे ये जो लपेटे हुए फंदे हैं इनको खोलना है हमें, ठीक है। एक फंदा मैं इसको उतार लूँगी, ठीक है, उतार लिया, ये फंदे खोल लिए, एक दो तीन, तीन फंदे खोल कर लेफ्ट नीडल में ले लिए, और हरी ऊन कलर की ऊन लेके ऊन आगे ले आएंगे, और ये तीन फंदों से हम पांच फंदे बनाएंगे, कैसे देखिए फ्रेंड्स। एक उल्टा, शुरू में एक उल्टा, फिर ऊन पीछे ले गए एक सीधा, फिर एक उल्टा, तीसरा फंदा उल्टा, फिर चौथा फंदा है जो सीधा, पांचवा फंदा उल्टा, और अब ये तीन फंदे छोड़ दूंगी। अब फ्रेंड्स ये दूसरा और चौथा फंदा जो सीधा बना था हमने, इन दोनों फंदों को ये दिख रहे हैं ऊपर उठा के, इन फंदों के आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार देंगे, ऊन पीछे लेंगे और तीन सफ़ेद बुन लेंगे। आई होप आपको डिज़ाइन समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, बहुत सिंपल डिज़ाइन है। तीन ये सीधे, फिर इन ग्रीन ऊन को आगे ले लेंगे, ठीक है, और इनको खोल के फिर तीन पांच कर लेंगे। तो इस सिलाई को कंप्लीट करके थोड़ा बुन के फाइनल लुक बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मेरे डिज़ाइन का फाइनल लुक कितना सुंदर बुन के आया है। देखिए मैंने चार कलर लगाए हैं और एक बेस कलर, पांच कलर लगाए हैं, आपने अपनी इच्छा के अनुसार दो कलर भी लगा सकते हैं, तीन भी लगा सकते हैं, और पाँच से ज़्यादा भी लगा सकते हैं। और वैसे ये चार सिलाई का डिज़ाइन है लेकिन आठ सिलाई में कंप्लीट होता है, एक बार यहाँ डलता है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, और दो सिलाई तो बिल्कुल सीधी उल्टी है, फर्स्ट रो सीधी सीधी, सेकंड रो में डिजाइन डलता है ना, तीन फंदे उल्टे, तीन फंदे दो लपेट के उल्टे बनते हैं, फिर तीसरी सिलाई में फंदे खोल के जो फंदे हमने लपेट के बुने थे दूसरे कलर से, उसके तीन के पांच करते हैं, और चौथी सिलाई पूरी उल्टी निकलती है। तो बहुत सरल डिज़ाइन है फ्रेंड्स, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिए, वीडियो स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा क्या बन रहा है, कैसा बन रहा है ना। तो इस सुंदर से भी डिज़ाइन के लिए एक लाइक तो बनता है, तो लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो गिव मी अ सपोर्ट, और कमेंट करके बताइए कि मेरे डिज़ाइन कैसे बन रहे हैं, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सुंदर से डिज़ाइन के साथ ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बहुत सारा डिज़ाइन है फ्रेंड्स, इसको आप
बच्चों के स्वेटर में, बेबी बॉय बेबी गर्ल, लेडीज़ कार्डिगन, जैकेट, कुर्ती, किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। सब में मतलब अच्छा ऊपर कहता है, जैसे ये कोई वूलियन स्टिच वाले फ्लावर होते ना, उस तरह से बने छोटे छोटे फ्लावर बन के आ गए। सुंदर बना ना फ्रेंड्स, और बहुत इजी, खास बात है इजी बहुत है, और आपकी जो घर में पड़ी हुई है वो भी आपके काम आ जाएगी, है ना। तो ट्राई जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए खूबसूरत डिजाइन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।